सबसे पहला सवाल है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? या फ्रेंड्स, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हर एक सवाल के बाद आपको 5 सेकंड का समय भी दिया जा रहा है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में तांबे के सिक्के का प्रचलन कब हुआ था? जी फ्रेंड्स, भारत में तांबे के सिक्के का प्रचलन कब हुआ था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में तांबे के सिक्के का प्रचलन गुप्त वंश काल में हुआ था। अगला सवाल है, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? जी फ्रेंड्स, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा 23 अप्रैल 1975 को मिला था। अगला सवाल है, मिजोरम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? जी फ्रेंड्स, मिजोरम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? जिसका सही आंसर हो जाएगा, मिजोरम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला था। अगला सवाल है, ऊंट का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? जी फ्रेंड्स, ऊंट का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, ऊंट का गर्भकाल 400 दिनों का होता है। अगला सवाल है, ट्रैकोमा व ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? जी फ्रेंड्स, ट्रैकोमा व ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, ट्रैकोमा व ग्लूकोमा रोग आंखों से संबंधित है। अगला सवाल है, करेले में कड़वाहट किस कारण होती है? जी फ्रेंड्स, करेले में कड़वाहट किस कारण होती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, करेले में कड़वाहट मेमोरडी कोसाइट के कारण होती है। अगला सवाल है, मिर्च का तीखापन किस कारण होता है? या फ्रेंड्स, मिर्च का तीखापन किस कारण होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, मिर्च का तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है। अगला सवाल है, हृदय गति की जांच किस मशीन द्वारा की जाती है? जी फ्रेंड्स, हृदय गति की जांच किस मशीन द्वारा की जाती है? आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा, हृदय गति की जांच कार्डियोग्राम द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जी फ्रेंड्स, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। अगला सवाल है, चूहों वाली देवी किसे कहा जाता है? जी फ्रेंड्स, चूहों वाली देवी किस देवी को कहा जाता है? जिसका ए ऑप्शन हो गया तनोट माता, बी ऑप्शन वैष्णो देवी, सी ऑप्शन संतोषी माता, डी करणी माता। आंसर आपको पता हो तो आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चूहों की देवी किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, चूहों वाली देवी करणी माता को कहा जाता है, जिनका मंदिर राजस्थान के देशनोक में स्थित है। तो साथियों, वीडियो आपको कैसे लगे मैं कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू।